पंजाब लोक कांग्रेस की, जिसने अपने उम्मीदवार की तीजी सूची जारी की है। सत उम्मीदवार का इस सूची के जरिए ऐलान किया गया, जिस अंदर मानसा तो जीवनदास बावा ने जिन्होंने टिकट लई अपना उम्मीदवार बनाया गया, बठिंडा देहाती तो माया देवी है, कोटकपुरा तो दुर्गेश कुमार शर्मा ने, मलोट तो करणवीर सिंह इंदौरा, आदमपुर तो जगदीश कुमार जस्सल, नकोदर तो शमी कुमार कल्याण और पट्टी तो एडवोकेट जसकरन सिंह संधू ने। हुण तक ऐलाने 34 कुल उम्मीदवार ने और पंजाब लोक कांग्रेस कोल कुल 37 सीटा उन्होंने इस गठबंधन हिस्से आई ने। मानसा तो जीवनदास बावा नू कैंडिडेट बनाया गया, बठिंडा देहाती तो माया देवी, कोटकपुरा तो दुर्गेश कुमार शर्मा, मलोट तो करणवीर सिंह इंदौरा, आदमपुर तो जगदीश कुमार जसन, नकोदर तो शमी कुमार कल्याण, पट्टी तो एडवोकेट जसकरन सिंह। खबर ते जानकारी दी सांझ पाउण लई गुरप्रीत इस वेले साडे नाल जुड़िया। गुरप्रीत, जाहिर तौर पर आपो अपने जिहड़े उम्मीदवार ने पार्टियां ऐलान कर रही ने, पर पंजाब लोक कांग्रेस जिस कदर नवी पार्टी है और चेहरे भी नवे ने, जेकर इन्हां दी कोई पोलीटिकल बैकग्राउंड की गल करिए। देखो नवजोत, जो हुण तक जो है 34 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है पंजाब लोक कांग्रेस ने। इसके ही भाईवाल ने जो भाजपा है, भावें श्रोमणी अकाली दल संयुक्त है, उन्होंने द्वारा भी अपनी पूरी जो उम्मीदवार की सूची है वो जारी कर दी है। इसे तहत हुण इन्हां दी 3 सीटां पेंडिंग रह गईयां पंजाब लोक कांग्रेस दी। हुण तक इन्होंने भी सारी उम्मीदवारों ने चोन मैदान के उतार दिता। तो खास तौर पर नवजोत गल यह है कि अज पंजाब लोक कांग्रेस के उम्मीदवार राज नंबरदार ने कमल के चोन निशान से अपना इच्छा जाहिर की है कि मैं वह चोन निशान से जो है वोटा मतलब कि चोन मैदान के उतरांगा। हालांकि इसको लेकर लगातार जो है हाईकमांड पार्टी हाईकमांड के नाल भी उन्हों का राबता चल रहा है, लेकिन खास गल यह है कि अजिहे मौके पर भाजपा के चोन निशान से चोन लड़न की इच्छा जाहिर करना कितना ना कितने है पंजाब लोक कांग्रेस के उपर भी तरह के जो है शंके खड़े कर रहा है। तो इसके मद्देनजर हालांकि लैना पार्टी ने हाईकमांड ने फैसला लेना है, लेकिन एक दो होर जो भी जिन्होंने उम्मीदवार ऐलाना गया उन्होंने द्वारा भी यह इच्छा जाहिर की जा रही है कि अभी कमल के चोन निशान के उपर यानी कि भाजपा के जोड़ा चोन निशान है उन्होंने उपर चोन लड़ा। लेकिन हूँ जी बाकी 3 उम्मीदवार की लिस्ट है वो भी अज शाम तक या फिर कल सवेर तक आ सकते हैं। तकरीबन भाजपा ने, पंजाब लोक कांग्रेस ने, श्रोमणी अकाली दल संयुक्त ने सिर्फ 3 तो सिवाय बाकी सारे उम्मीदवारों चोन मैदान उतार दिता है। ठीक है, जानकारी साझ पाने शुक्रिया।